शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से जो मैंने तुम्हें मना किया था कीर्ति, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में वापस आने की? कीर्ति, बस आप ही की कमी थी। हम भी यहाँ सबके साथ रक्षाबंधन मनाने हैं, और वो तो परिवार के साथ मिलकर ही मनाते हैं ना। कीर्ति आ जाओ। दीदू, बबलू को तो राखी हम घर पर ही बांध आए। बांधी तो फिर कौन बचा कीर्ति भाभी? जिन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की, हमारी दीदू। पर राखी तो सिर्फ भाई को ही बांधते हैं ना? नहीं, राखी हम उन्हें बांधते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारा साथ हर दुख में, हर दर्द में, हर मुश्किल में देते हैं, जैसे कि दीदू ने दिया। उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, इतनी भी मुश्किलें आई मुझे हमेशा बचाया। हमने कितनी सारी गलतियां की, पर दीदू ने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। इन्होंने हमारी जान बचाई, और आज अगर कियारा यहाँ पर है तो वो भी दीदू की वजह से। तो राखी ना हम किसी को भी बांध सकते हैं जो हमारी रक्षा करता है। आज तो सच में चमत्कार हो गया माता रानी। इतने साल के बाद ही सही कीर्ति रानी को अपनी बहन के रिश्ते का मूल तो समझ आया। तुम समझ गई ना? अदालत में तुम्हें उतना ही बोलना है जितना बताया गया है। अपने बयान से पीछे मत हटना। बाकी रही सबूत की बात, वो मैं संभाल लूंगी। मना लो जितनी जीत की खुशी तुम्हें मनानी है श्रद्धा, क्योंकि एक बार मैं इस जेल से बाहर आई ना तो खुशी क्या होती है ये तुम भूल जाओगी। कीर्ति, जो भी हुआ है ना भूल जाइए, एक नई शुरुआत करते हैं ना। घर लौट आइए। क्या बेटा, मैं आपके लिए सिया सानी के लिए गिफ्ट लेकर आया, आप देखोगे? अभी पापा मम्मी को बात करने दो। ओके चाचू। आजा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नकली आंसुओं से मैं फिर से पिघल जाऊंगा? वरुण जी, हम नाटक नहीं कर रहे, हम यहाँ अपनी दीदू को राखी बांधने आए, उन्हें वो सम्मान देने आए जिसकी वो हकदार है, क्योंकि दीदू ने ना हमेशा हमें हर मुश्किल से बचाया। हाँ तो वही ना, तुम मुश्किलें पैदा करती रहो और तुम्हारी बहन तुम्हें बचाती रहे, है ना? वरुण, वहां क्या बातें कर रहे हो? जो बातें करनी है यहाँ हम सबके सामने आके करो। वरुण, कीर्ति हमारे घर की पप्पू है, वो यहाँ हमारे साथ सबके साथ खुशियां मनाने आई है, और तुम इन्हीं के सामने उस पर अपना गुस्सा उतार रहे हो। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बस
अब दोनों अपनी इज्जत बंद करो। तुम दोनों की एक बेटी भी तो है, उसके बारे में सोचो। और हाँ, कीर्ति अब से यहां इस घर में ही रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कीर्ति, कियारा भी आपके बिना बड़ी गुमसुम रहती है। माँ, पापा जी, हम वापस नहीं आ सकते। अभी वरुण जी को हमें अपनाना ज्यादा जरूरी है और हम उन पे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हमें माफ कर दीजिए, हम चलते। क्या हो गया है दोनों के बीच में कि इनकी दूरियां खत्म ही नहीं हो रही है? हम माता रानी के मंदिर जाएंगे और इनके लिए मन्नत मांगेंगे। हमारे बेटे का परिवार हम ऐसे टूटने नहीं दे सकते। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम बिल्कुल ठीक है। कितना झूठ बोलोगी मम्मी, कितनी कमजोर हो गई हो आप। बेटा, हमारी सारी कमजोरी तुम्हें देखते ही गायब हो गई। अच्छा, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं। हाँ, आप आराम कीजिए मम्मी, मैं श्रद्धा दीदी को बुला रहा हूँ। जब हम है यहाँ तो दीदू को तंग करना क्यों वहाँ? तो बबलू जी, कैसा लगा हमारा रात? ये लो। कीर्ति बेटा, सब ठीक है ना? वरुण जी और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? जो भी हुआ है मम्मी, हमारी गलती है और उसकी सजा भी हमें मिली रही। कीर्ति बेटा, माता रानी ना जरूर तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। जाओ बेटा, तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ भैया, आप पीजिए। लाइए मुझे, दीजिए। हम पी लेंगे। अब सब ठीक हो गया, बस एक ही चीज की कमी है। हाँ भाई, अब जल्दी से वो भी ठीक हो जाए ना, तो हम खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? हमें कभी मौका भी नहीं मिला, तो बच्चों को भी मजा आएगा। बच्चों को मजा आएगा? क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो फैमिली ट्रिप की बात कर रहा था, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो कीर्ति को घर वापस लाने की बात कर रही थी। अभय, आप एक बार वरुण जी से बात करके देखिए ना। अरे श्रद्धा, कब तक इन सब चीजों के बारे में सोचती रहोगी? अपनी बहन का रिश्ता बचाने में लगी रहोगी ना, तो हमारे रोमांस को आगे कैसे बढ़ाओगी? अभय, आप भी ना, ये भी तो कितना जरूरी है। अब कीर्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो अपने आप को बदलना चाह रही है। क्या वरुण जी उसे एक मौका नहीं दे सकते? एक बार आप बात करके देखिए ना। देखो श्रद्धा, मैं जानता हूँ तुम्हें कीर्ति की बहुत फिक्र है, पर ये पति पत्नी के बीच की बात है, और ऐसे भी उनका रिश्ता भी नाजुक मोड में है, उन्हें खुद ही उसका हल निकालना होगा ना। पर अभय, वो दोनों ऐसे कब तक अलग रहेंगे? वो उन पे छोड़ दो ना श्रद्धा, तुम
त्रिपाठी परिवार की रक्षक, हर चीज अपने हाथ से ठीक नहीं की जाती, उनको आपस के रिश्ते को समझने का मौका था। और तुम ना सिर्फ मुझ पर ध्यान दो अपने। नजर हटेगी नहीं तो सिया और सानवी के बाद एक प्यारी सी दुर्घटना घटेगी कैसे? तो आप भी ना कुछ भी बोल देती हैं। श्रद्धा बेटा, तुम इतने दिनों से कुछ ना खाई हो ना पी हो ढंग से, चलो पहले तो तुम बैठो। अरे बैठो, हाँ बैठो और सबसे पहले ये पियो लो। और तुम दो बच्चों के बाप होकर तुम खुद अपना कपड़ा नहीं प्रेस कर सकते हो? हाँ पर मैंने तो, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात तुम बिल्कुल नहीं कहोगी। जब तक हम नहीं कहेंगे कि तुम ठीक हो, तुम कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। ठीक है? ठीक है बुआ जी, मंदिर से आने के बाद मैं सिर्फ आराम करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। परिवार पहले, पति बाद में, और रोमांस भाड़ में। दादू, हाँ। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बना रखा? अड़ में जा रहे हैं। वहीं जाऊंगा अब और क्या? यार जब तक श्रद्धा और मम्मी की सास बहू वाली नोक झोंक थी, तब तक मेरा फायदा था। अब मम्मी को श्रद्धा पे इतना प्यार आता है कि मेरे प्यार की तो कोई जगह ही नहीं बची है। यार वो तेरे सामने कुछ भी बोल दिया यार मैंने। अरे ठीक है ना, वैसे भी तू सही कह रहा है। देख सास और बहू की टीम बने ना बने, लेकिन दोनों तरफ से हार तो हमें ही खानी पड़ती है ना। एक काम करते हैं, कीर्ति को घर ले चलते हैं। हाँ जल्दी चलो, घर अपना पास में ही है, डॉक्टर भी वहीं बुला लेते हैं। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वो सीधा घर ही आ जाएंगे। आप बहुत किस्मत वाली, आपका इलाज घर पर ही हो जाएगा। अगर वहां पड़े पत्थर से आपकी हड्डी पर लग जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती। खैर कोई बात नहीं, कल से आप अच्छा महसूस करेंगे। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। ध्यान तो हम सबको अपना अपना रखने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक घर के हर सदस्य पे कोई ना कोई तकलीफ या मुसीबत आ रही है। पता नहीं किसकी नजर लग गई अब। सॉरी कीर्ति, हमारी वजह से आपको कितनी चोट लग गई। कियारा कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। बच्चे नहीं हैं आप दोनों, समझदार हैं।
देखिए, पति पत्नी के बीच में हम नहीं आएंगे, लेकिन जो भी समस्या है वो घर के अंदर भी तो सुलझाई जा सकती है ना। वरुण, आप अपने गुस्से की वजह से कीर्ति को यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। भूल जाइए जो कुछ भी हुआ है। प्लीज मर जाओ कीर्ति। हाँ बेटा, हमें भी आपकी जरूरत है, मत जाइए। श्रद्धा और अभय के रिश्ते की शुरुआत एक मजबूरी में हुई थी, पर सात फेरों का सम्मान, उसकी मर्यादा, इन दोनों ने कभी नहीं भूली। उस रिश्ते में प्यार, सम्मान और कुर्बानी को महत्व दिया, गुस्से और अहंकार को नहीं। यहां तक कि दोनों एक दूसरे के लिए जेल तक चले गए। वरुण बेटा, दुनिया जितनी बढ़ाओगे ना, रिश्ते की नींव उतनी ही कमजोर होती जाएगी। ऐसा मत होने दो बेटा, ऐसा मत होने दो। तो दिल से सोच, मैं तेरे साथ हूं। वरुण जी, किसी भी रिश्ते के लिए एक दूसरा मौका देना तो बनता है ना। आप एक मौका देकर तो देखिए, शायद इस मौके से सब कुछ ठीक हो जाए। पापा, हमें कीर्ति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कीर्ति के साथ खेलना, टीवी देखना, शॉपिंग करना, सब बहुत मिस करते हैं। प्लीज पापा, हमारे लिए मान जाना। जब श्रद्धावासी सिया और साध्वी की उम्र करने में मदद करती है, तब हमें कीर्ति की बहुत याद आती है। पापा, हम तीनों तो बेस्ट फैमिली है ना। प्लीज पापा, हमें हमारी बेस्ट फैमिली वापस कर दो ना। प्लीज पापा, प्लीज। नहीं बेटा, हम आएंगे ना आपसे मिलने, आप रोइए मत। माँ, अब्बा जी, हम चलते हैं। पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और ये भी पता है कि हमने आपको धोखा दिया है, हमें माफ कर दीजिए। कीर्ति, कुछ दिन घर से बाहर क्या रहे, तुम सब कुछ भूल गई? हमारा कमरा वहां है। चोट लगी है तुम्हें, जाके आराम कर लो। थैंक यू दादी, थैंक यू पापा। हम
कीर्ति के लिए जूस लेकर आते हैं। आप उनके साथ ही बैठे हैं। मम्मी, कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, मुझे उसी की तैयारी करनी है। हाँ हाँ वरुण बेटा, कर लेना तैयार। और वैसे भी तुम्हारी बीवी कहीं नहीं भागी जा रही, अगर वो भागेगी तो हम हैं ना उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन कल तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। हमने कल पंडित जी को बुलाया है जन्माष्टमी की तैयारी के लिए और ग्रह शांति के उपाय के लिए भी। अब तुम देखना कि जो बुरी नजर वाली आंखें है ना, वो यूं हम बंद करवा देंगे। बुआ जी, अब जब सच्चाई की आंखें खुली गई है तो फिर किसी की बुरी नजर हम पे पड़ ही नहीं सकती। पंडित जी, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, कुछ वक्त तो इस घर पर बहुत भारी पड़ने वाला है और ये तो इसमें साफ साफ दिख रहा है। इस दोष को मिटाना आसान नहीं है और ये फिलहाल बढ़ता ही जाएगा। त्रिपाठी परिवार की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। उनके लिए ऐसी जहन्नुम जैसी जेल तैयार होगी जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।